दूसरा सैमुएल 20वां बाब। और वहां एक शरीर बिन्यामीनी था, और उसका नाम सबा बिन बकरी था, और उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मेरास यस्सी के बेटे के साथ है। ए इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इसराइली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बकरी के पीछे हो लिए, लेकिन यहूदा के लोग यर्दन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया, और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर, और तू भी यहां हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकरर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बकरी तो हमको अभी सलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ता ना हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो युआब के आदमी और करेती और फलेती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले, ताकि सबा बिन बकरी का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जबौन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया, और युआब अपना जंगी लिबास पहने था, और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो युआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है? और युआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहने हाथ से पकड़ी कि उसको भोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो युआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ी, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर युआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले, और युआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई युआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो युआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लोट रहा था, और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया, और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग युआब के पीछे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले, और वो इसराइल के सब कबीलों में से होता हुआ एबल और तबेत माका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले, और उन्होंने आकर उसे बैते मक्का के एबल में घेर लिया, और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा, और सब लोगों ने जो युआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत
شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یواب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یواب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب وہ اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا، میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ایبل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے، اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یواب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے، جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یواب سے کہا، دیکھ، اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یواب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یواب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ اور یواب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا، اور بنایا بن یہودد کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا، اور ادرام خراج کا دروغہ تھا، اور اخلود کا بیٹا یفست مورخ تھا، اور سوا منشی تھا، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور اریاریری بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔